الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في موضع آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق الله العظيم میرے بھائیو دوستو اور بزرگو میں نے دو جگہ سے دو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کسی قسم کا غم اور دوسری جگہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رحمان تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ تواضع کے ساتھ میں چلتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی خاص صفات ہیں اور اللہ کے جو دنیا میں ولی گزرے ہیں اور آج بھی جتنے اولیاء اللہ دنیا میں موجود ہیں ان کی صفات ایسی ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں دنیا میں اس کو کسی قسم کا کوئی غم اور ٹینشن نہیں ہوتا ہے اور آخرت کے ہمیشہ کے غم اور آخرت کے ہمیشہ کے حالات سے اللہ رب العزت ان کو نجات دیتے ہیں تو وہ رحمان تعالیٰ کے نیک بندے کون ہیں اور اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کون ہیں تو اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ جو ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے کے بعد میں تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی گزارے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ان کے لیے دنیا میں بشارت خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے دوست کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری والی نیکی والی زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ میں اور نرمی کے ساتھ کے اندر زمین پر چلتے ہیں اور اللہ کا ولی ہر کوئی بن سکتا ہے اللہ کا دوست
तकवा और परहेजगारी वाली जिंदगी गुजार करके आज भी बन सकते हैं और आज भी दुनिया में अल्लाह वाले मौजूद हैं। अगरचे जाहिरी शक्लो सूरत के एतबार से हमें नजर ना आ रहा हो कि ये अल्लाह के वली हैं, चाहे फटे पुराने कपड़े हो, बिखरे हुए बाल हो, मोटे मोटे कपड़े हो, लेकिन उसकी जिंदगी तकवा से लबरेज है और उनकी जिंदगी खौफे खुदा से लबरेज है, तो आज भी वो अपना फैसला डायरेक्ट अल्लाह से करवाते हैं और अपनी दुआओं की ताकत की बुनियाद के ऊपर, अपनी दुआओं की ताकत की बुनियाद के ऊपर अल्लाह की मदद फौरन उतरवाते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं। और अल्लाह उनका काम बगैर असबाब के और बगैर माल के बना देता है जो अल्लाह के वली होते हैं। बगैर असबाब, बगैर रुपये पैसे और बगैर चीज़ों के अल्लाह तबारक व ताला अपने दोस्तों का काम बना देते हैं। एक बुजुर्ग एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनना, समझ में आएगी बात तो बहुत बड़ा फायदा होगा। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे और थोड़ी देर के बाद में एक ताजिर आया, तिजारत करने वाला मस्जिद में आया और आकर के जिक्र अजकार औराद वजाइब के अंदर मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद में एक बिखरे हुए बाल वाला और फटे हुए कपड़े और परागंदा हालत, इस हालत के अंदर एक फकीर आदमी मस्जिद के अंदर आया और आ करके दुआ के अंदर मशगूल हो गया, दुआ में मशगूल हो गया और वो जिक्र में मशगूल है ताजिर, और बुजुर्ग नमाज के अंदर मशगूल हैं और ये आकर के दुआ के अंदर मशगूल हो गए और आकर के यूं दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मैंने काफी दिन हो गए गोश्त नहीं खाया है, चखा नहीं है, या अल्लाह मुझे गोश्त खिला दे, या अल्लाह मेरे लिए गोश्त का इंतजाम कर दे। तो पास में जो ताजिर बैठा हुआ था वो मालदार था, तो जब इस फकीर ने फटे हुए कपड़े, परागंदा हालत, बाल बिखरे हुए इस तरीके से दुआ की, तो वो ताजिर यूं समझा कि ये मुझे सुना रहा है कि मैं मालदार हूं और मेरे पास में आकर के दुआ कर रहा है कि मैं इसके लिए गोश्त का इंतजाम करूं और उनको मैं खिलाऊं। दिल ही दिल में वो ताजिर बदगुमानी करने लगा, उसके बारे में बुरा गुमान करने लगा। हालांकि वो फकीर आदमी की ये चीज मकसूद नहीं थी कि वो ताजिर उसको खिलाए और उसकी जरूरत को पूरा करे, लेकिन ताजिर दिल ही दिल में यूं कहने लगा कि ये मुझे सुनाने आया है ताकि मैं इसका इंतजाम करूं, इसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी मस्जिद में, मुझे बाहर कह देता कि मैं बाहर उसके लिए गोश्त का इंतजाम कर देता और उनको खिला देता। अब दिल में इसने तो इस तरीके से बदगुमानी की कि ये ऐसा है वैसा है, तो फिर ये अपने जिक्र में मशगूल रहा और वो बुजुर्ग नमाज में थे और ये फकीर दुआ मांगने के बाद में चद्दर बिछा करके सो गया और अपने ऊपर चद्दर ओढ़ ली। थोड़ी देर गुजरी थी तो मस्जिद के अंदर बाहर से एक आदमी आया और अपने साथ में गोश्त लेकर के आया, गोश्त लेकर के आया और रोटी लेकर के आया, गोश्त भी लाया और रोटी लेकर के आया और मस्जिद में दाखिल हुआ और मस्जिद में किसी को तलाश कर रहा है कि मैं उसको गोश्त और रोटी पहुंचाऊं। तलाश करते करते वो जो फकीर आदमी दुआ के बाद में सोया हुआ था उसकी चद्दर उसके सर पर से हटाई और देखा कि ये वही आदमी है, उसके पैर पर से चद्दर हटाई तो कि हाँ ये वही आदमी है, और आ करके उसे कहा कि लो ये गोश्त और ये रोटी, आप इसको खा लो। अब वो फकीर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया और बाहर जा करके गोश्त और रोटी खाने लगा और रोटी और गोश्त को खा लिया, और वो जो बाहर से लेकर के आया था वो भी उनके पास में बैठा हुआ था और ये ताजिर ये पूरा माजरा देख रहा है। ये ताजिर जो इसने बदगुमानी की थी वो पूरा माजरा देख रहा है कि ये क्या बात है कि ये अभी थोड़ी देर के पहले दुआ मांग रहा था और सो गया और बाहर से कोई गोश्त और रोटी लेकर के आया। जब इससे रहा नहीं गया, बाहर जाकर के उस आदमी से पूछा
कि तू कौन है और ये फकीर कौन है, ये आदमी कौन है और तू कौन है, तू इसको पहचानता है इस फकीर को? तो उस आदमी ने कहा मैं नहीं पहचानता हूँ, जो बाहर से लेकर के आया था उसने कहा मैं नहीं पहचानता हूँ। तो वो ताजिर कहने लगा कि तुम पहचानते नहीं हो तो फिर क्यों लेकर के आए, तुम पहचानते नहीं हो तो क्यों लेकर के आए, और अगर पहचानते हो तो फिर इनको तलाश क्यों कर रहा था? दो बातें हैं। तो उस आदमी से जो बाहर से लेकर के आया था, ताजिर आखिर के अंदर उससे पूछने लगा आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है कि इन्होंने दुआ की और इनकी दुआ के अंदर थोड़ी देर के बाद में गोश्त और रोटी आ गई, क्या तुम्हें इसने कहा था? तो कि नहीं कहा था। तो उन्होंने कहा कि आखिर बताओ क्या बात है? तो कि भाई रहने दो, नहीं बात को पेक रहने दो, तुम क्यों बात को खोलना चाहते हो? जब उस ताजिर ने इसरार किया, बार बार पूछा क्या बात है, तो उस आदमी ने कहा कि देखो मैं एक हम्माल आदमी हूँ, यानी बोझ उठाता हूँ, और मैं लोगों का सामान उठा कर के घर पर रखने के लिए जाता हूँ, जिसको हम कुल्ली कहते हैं, और उसके ऊपर मुझे एक रुपया दो रुपया मिलता है, कभी और ज्यादा मिलता है। आज ऐसा हुआ, गुज़िश्ता कल ऐसा हुआ कि मैं बोझ उठा कर के एक अमीर आदमी के घर पर पहुँचा, मालदार आदमी के घर के ऊपर मैं बोझ उठा करके पहुँचा, तो उन्होंने मुझे मजदूरी के अंदर दो रुपये और ज्यादा दिए, और उसकी वजह से हमें बहुत खुशी हुई। मैं घर पर आया और अपनी बीवी से कहा कि आज मजदूरी के अंदर दो रुपये ज्यादा मिले हैं, हमने कई दिन से गोश्त नहीं खाया है, इसलिए कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम गोश्त खा सके, आज मजदूरी के अंदर एक मालदार आदमी ने दो रुपये ज्यादा दिए हैं, इसलिए हमारी ख्वाहिश ये है। वो अपनी बीवी से कह रहा है कि हम गोश्त पकाए, आइंदा कल हम गोश्त बनाएंगे। अब रात को मियाँ बीवी ने इस तरीके से मशवरा किया और रात को सो गए। ख्वाब के अंदर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बोझ उठाने वाले को ख्वाब में ज्यारत हुई, और ख्वाब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यूं कह रहे हैं कि आइंदा कल तुम गोश्त बनाने वाले हो, तुम मस्जिद के अंदर जाना, आइंदा कल तुम गोश्त बनाओ तो आधा अपने घर वालों के लिए रखना और आधा उस मजदूर को और उस फकीर को जो मस्जिद के अंदर है और मेरा पक्का दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, उनको भिजा करके खिलाना कि तुम थोड़ी तंगी बर्दाश्त कर लेना, तकलीफ बर्दाश्त कर लेना, और फिर दूसरे दिन जब गोश्त पके तो उसमें से आधा उस फकीर को भी खिला देना। फकीर ने पहले दिन दुआ की, दूसरे दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी और के ख्वाब में आ रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि तुम इनको गोश्त खिलाओ। तो इस तरीके से उन्होंने कारगुजारी सुनाई तो वो ताजिर हक्का बक्का रह गया कि मैं तो यूं सोच रहा था कि मैं इसकी मदद करूं, मुझे ये सुना रहा है। जैसे मालदार बहुत से लोग होते हैं कि उनके दिल में ये बात आती है कि ये दुआ मेरे सामने चिल्ला चिल्ला करके मांग रहा है, ये इसलिए मांग रहा है कि ये मेरी मदद करे। हाँ, होना ये चाहिए कि इंसानियत के नाते उस ताजिर को उसकी मदद कर देनी चाहिए थी, उसको गोश्त खिला देना था, लेकिन गोश्त भी नहीं खिलाया और उसके बजाय दिल के अंदर बदगुमानी की। उसके बाद में जब वो ख्वाब का तस्किरा उस गोश्त लेकर के आने वाले ने ताजिर को सुनाया तो ताजिर ने यूं कहा कि ये खाना तुम्हारे घर में कितने रुपये में बना है, ये खाना तुम्हारे घर में कितने रुपये में बना है कि मैं इससे महरूम रह गया, कि मैंने इसकी खिदमत नहीं की, इसको गोश्त नहीं खिलाया और बदगुमानी की, ऊपर से तुमने इस खाने को कितने रुपये के अंदर बनाया है, मैं वो रकम देने के लिए तैयार हूँ, ये सौदा तुम मुझे दे दो और उसके बदले के अंदर तुम मुझसे पैसा ले लो। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस आदमी के ख्वाब में आए थे उस आदमी से यूं फरमाया था कि तुम उनको गोश्त खिलाओगे तो मैं तुम मियाँ बीवी की जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ, कि तुम मियाँ बीवी को जन्नत के अंदर दाखिल कराऊंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो वो ताजिर कहने लगा कि वो रकम मैं तुम्हें दे देता हूँ और इस सौदे के बदले के अंदर मैं तुम्हें 20 मिसकाल सोना देने के लिए तैयार हूँ। 20 मिसकाल सोना एक वजन होता है जो पहले जमाने में चलता था,
और 20 मिसकल आज के जमाने में 7.5 तोला होता है, 7.5 तोला सोना। और मैं तुमको 200 दिरहम देता हूँ, 200 दिरहम, और 200 दिरहम आज के जमाने के अंदर 52.5 तोला चांदी के बराबर होता है कि मैं 7.5 तोला सोना देता हूँ और 200 दिरहम तुम्हें चांदी देता हूँ, ये सौदा मुझे दे दो और ये पैसे ले लो और ये दावत मेरी तरफ से उस फकीर को हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सौदा तो नहीं हो सकता है, चाहे तुम हम हमें पूरी दुनिया की माल और दौलत दे दो, उसके बावजूद भी हम ये सौदा नहीं करेंगे। तो बुजुर्गो, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह को मनवा लेते हैं और अल्लाह से काम बना लेते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार के ऊपर भी मैं गया हूँ दिल्ली के अंदर, जो आराम फरमा रहे हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। और कितने बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं कि आप 1.5 साल की उम्र है आपकी, उस हालत के अंदर 1.5 साल की उम्र के अंदर बाप का इंतकाल हो गया। आपके वालिद मोहतरम का नाम कमालुद्दीन, कुतुबुद्दीन बिन कमालुद्दीन बिन सैयद अल मूसा, ये आपका नसब नामा है कि 1.5 साल की उम्र के अंदर आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब 4 साल की उम्र हुई और आप यतीम हो गए थे, तो आपकी वालिदा मोहतरमा आप ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा में से हैं। जब आपकी 4 साल की उम्र हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा इसको अपने गोद में उठा करके बाहर लाती हैं कि मैं इनको किसी मदरसे के अंदर दाखिला करवा दूं और इनकी बिस्मिल्लाह हो जाए, इनकी शुरुआत हो जाए। और मदरसे में दाखिले के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को बाहर लेकर के आई कि बाहर अगर कोई आदमी मिले तो मैं इनके हवाले कर दूं और वो उनको जाकर के मदरसे के अंदर पहुंचा दे। कितने बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआओं के ऊपर क्या क्या कमालात दुनिया के अंदर जाहिर नहीं किए हैं और क्या क्या अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी तमन्नाएं पूरी नहीं की हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब 4 साल की उम्र हुई, माँ बाहर लाई, एक बुजुर्ग के हवाले किया कि इनको मदरसे पहुंचाओ। अब वो बुजुर्ग बाहर आकर के तलाश कर रहे हैं कि कौन से मदरसे में इनको पहुंचाए, किस मदरसे के अंदर दाखिला करवाए। जैसे आमतौर पर बच्चा 4 साल का हो जाता है तो इसको मदरसे के अंदर पहुंचा दिया जाता है, अगरचे रजिस्टर के अंदर नाम 6 साल के बाद के अंदर लिखा जाता है लेकिन उसकी बिस्मिल्लाह शुरू हो जाती है। तो माँ ने भी ये चाहा कि इसको मदरसे के अंदर दाखिला मिल जाए। अब वो बुजुर्ग बाहर तलाश कर रहे हैं, अब इनको गोद में उठा करके जा रहे हैं मदरसे की तरफ। सामने से खूबसूरत आदमी नजर आए, खूबसूरत बुजुर्ग किस्म के आदमी नजर आए। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? कि इस बच्चे का दाखिला मदरसे के अंदर कराने के लिए मैं जा रहा हूं। माँ घर में है, बाहर दूसरे बुजुर्ग के हवाले किया, अब वो जा रहे हैं। सामने से वो बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि चलो मैं इनका दाखिला मदरसे के अंदर करवाता हूँ। और वो बुजुर्ग उसको साथ में लेकर के और वो पहले वाले बुजुर्ग दोनों साथ में लेकर के इस बच्चे को लेकर के दिल्ली के अंदर शाह वसीउद्दीन औसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके पास में गए और जा करके कहा कि आप इसका बिस्मिल्लाह करा दीजिए, इनका मदरसे के अंदर दाखिला करा दीजिए। शाह वसीउद्दीन औसी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों आदमियों को देखा, बुजुर्ग को और इस बच्चे की तरफ नजर की, तो देखते ही रह गए। और शाह वसीउद्दीन औसी रहमतुल्लाह अलैह जो खूबसूरत आदमी थे उनकी तरफ देखे, वो पहचान गए कि ये कौन आदमी है और उन्होंने अपनी आंख से सिर्फ इशारा किया और इशारा करके वहां से वो चले गए। और दूसरे बुजुर्ग जो पहले बुजुर्ग थे जिसने बच्चा संभाला था वो वहीं पर रुके और वो बच्चा वहीं पर रुके। अब उसके बाद के अंदर वो मुहद्दिस उनके सर पर हाथ फेर रहे हैं और यूं कह रहे हैं बाइख्तियार के कुतुबुद्दीन बहुत बड़ा कमाल वाला आदमी है, कुतुबुद्दीन बहुत बड़ा कमाल वाला आदमी है,
इस तरीके से उनके सर पर हाथ फेर रहे, उनके रुखसार पर, उनके होंठ के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, इस तरीके से बार बार कर रहे। तो वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि आप इनका बिस्मिल्लाह करा दीजिए, उसके बाद में इसको यहाँ से लेकर के चला जाऊं और उनकी माँ के हवाले कर दूं। तो वो मुहद्दिस जिनके पास में मदरसे के अंदर गए थे, उन्होंने फरमाया कि तुम जानते हो कि ये बच्चा कौन है, और तुम जानते हो कि उनके साथ में जो खूबसूरत बुजुर्ग आए थे वो कौन थे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। तो उन्होंने फरमाया कि जो रास्ते में बुजुर्ग मिला और उन्होंने यूं कहा कि मैं मदरसे में पहुंचा देता हूं, वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। वो हजरत सैयदना हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे, और जिसके पास में जा रहे वो शाह वसीउद्दीन मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े औसी रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। अब ये बुजुर्ग ने उस बच्चे को अपने पास में संभाला, और रात को जब सोए हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत शाह वसीउद्दीन औसी रहमतुल्लाहि अलैहि की ख्वाब में आए और यूं फरमाया कि वसीउद्दीन मेरे दोस्त को बाकमाल बनाना, मेरे दोस्त को जो आपके पास में आया है उसको कमाल वाला बनाना है। और उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि जो आपके उस्ताद हैं, उनको भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज्यारत हुई, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोइनुद्दीन मेरा जो दोस्त है उसका ख्याल रखना और उसको कमाल वाला बनाना है, और उसकी खूब फिक्र करना है कि ये आगे चल करके बहुत बड़ा अल्लाह का वली बनने वाला है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के जिगरी दोस्त, 100 साल की उम्र पाई, 535 या 36 के अंदर आपकी पैदाइश, और 636 या 37 के अंदर आपकी वफात हुई। जिस वक्त आपकी वफात हुई है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह की वसीयतनामा लिखा गया है, उसके अंदर 3 भारी ऐसी वसीयत थी कि अगर इन वसीयतों को आज रखा जाए तो कोई नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला न मिले, कि मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसके अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद हो, अगर ये 3 चीज़ें मौजूद न हो तो मेरी नमाज़े जनाजे के लिए वो आगे न बढ़े, नमाज न पढ़ाए। और आपके जनाजे के अंदर 25,000 मुहद्दिसीन और 50,000 के करीब कुर्रा और उलमा और 80,000 के करीब और मजमा आपके जनाजे के अंदर मौजूद हैं, और आपका जनाजा रखा हुआ है, कोई नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए कि वसीयतनामा में जो शर्त थी, एक शर्त ये थी कि मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए कि जिसकी जवानी से लेकर के आज तक, उसकी बालिग होने के बाद से आज तक तहज्जुद की नमाज न छूटी हो, एक शर्त ये। और दूसरी शर्त कि मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी कभी जिंदगी के अंदर तकबीर उला फोत न हुई हो, रकात की बात नहीं है, तकबीर उला फोत न हुई हो। और इसी तरीके से मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए कि जिसकी कभी ना महरम औरत के ऊपर बालिग होने के बाद से लेकर के आज तक निगाह न पड़ी हो, कोई नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। असर का वक्त हो गया, लोग इंतजार में कि कौन आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक दिल्ली के बादशाह जो सल्तनत में हुकूमत में है, वो बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस रहमतुल्लाहि अलैह रोते हुए आगे बढ़ते हैं और ये फरमाते हैं कि आज मेरा रास फाश हो गया, मेरा और अल्लाह का मामला था, और कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाहि अलैह को ही इल्म था, इसके अलावा किसी को मालूम नहीं था। अगर आज मैं नहीं आगे बढ़ूंगा तो कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैं अपने मामले को रास फाश करके अब मैं नमाज जनाजे को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ता हूँ, अगर मेरे अलावा और कोई मौजूद होता तो मैं अपना रास फाश न करता। बुजुर्गों, इतने बड़े वली हमारे मुल्क में गुजरे हैं, हिंदुस्तान के अंदर गुजरे हैं, अंदाजा लगाओ कैसे अल्लाह के वली बने होंगे, उनकी माओं ने कैसी तरबियत की होंगी। जब माँ की गोद में से नेकी जन्म लेती है तो फिर नस्लों तक नेकियां वजूद में आती हैं, और जब माँ की गोद के अंदर से बुराइयां जन्म लेती हैं तो फिर नस्लों तक वो बुराइयां सरायत करती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह वाला बनने की तौफीक अता फरमाए और नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।